दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज़ अड्डा पर। और दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला 19 जनवरी को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी के मैदान पर खेला गया, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम ने जीत के साथ में 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया। और इस सीरीज के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की, जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच तो वहीं कप्तान कोहली को सीरीज ऑफ द मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। इस मैच में जीत के बाद दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने टीम से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब दिया। इस दौरान दोस्तों विराट ने केएल राहुल की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल के विकेटकीपर के तौर पर खेलने से टीम बैलेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है और इससे हम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी खिला सकते हैं। इसी बीच एक रिपोर्टर ने कोहली से सवाल पूछा कि इस सीरीज़ में राहुल ने बतौर विकेटकीपर टीम में अपनी भूमिका अदा की है, तो ऐसे में क्या आगामी सीरीज में आप महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से किस खिलाड़ी का चयन करना चाहेंगे? तो दोस्तों इस सवाल में धोनी का नाम सुनकर कोहली भी मुस्कुरा उठे और उन्होंने सबसे पहले हंसते हुए कहा कि आप एक मसालेदार सवाल पूछना चाहते हैं। कोहली ने आगे कहा कि जैसा कि मैंने कहा कि राहुल ने बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी अच्छी की है, तो ऐसे में टीम बैलेंस भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो ऐसे में फिलहाल राहुल को ही इस रोल में आजमाया जा सकता है। कोहली ने इस बयान के बाद में ये लगभग तय हो गया है कि केएल राहुल ही भारत के लिए आगामी मैचों में विकेट कीपिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग करेंगे तो ऋषभ पंत खेलेंगे या नहीं, तो दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत खेलेंगे ज़रूर, लेकिन एज अ विकेट कीपर नहीं बल्कि एज अ बैट्समैन जो है वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अब दोस्तों इस तरह का बयान जो है वो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। अब आप भी कमेंट करके बताएं कि विराट ऋषभ पंत और केएल राहुल इन दोनों में से किसको विराट को न्यूजीलैंड दौरे पर कीपिंग करानी चाहिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अपडेट्स को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें DNA News चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। धन्यवाद।